देश भर में नीट के छात्र इन दिनों रोष में हैं। नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर युवाओं में रोष है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस परीक्षा को लेकर विवाद हो रहा है। छात्रों के हितों को स्पष्ट तरीके से दर्शाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हाल ही में इस मुद्दे पर एक डिटेल्स एनालिसिस वीडियो बनाया है। इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने विस्तार से मामले को समझाया है। ये मुद्दा सबसे ज़्यादा इसलिए गर्माया है क्योंकि एक साथ 67 छात्रों ने टॉप किया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने वीडियो में बताया कि ये कोई गलती नहीं है बल्कि NTA के ऑफिशियल्स की ह्यूमैनिटी है और उन्होंने ह्यूमन ग्राउंड्स पर कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिसकी वजह से इस बार इतनी बड़ी संख्या में टॉपर्स हुए हैं। विवेक बिंद्रा ने आगे बताया कि बिना फैक्ट्स जाने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने से नुकसान सिर्फ छात्रों का है। कोचिंग सेंटर सिर्फ इस मुद्दे को अपने निजी स्वार्थ के लिए बढ़ा रहे हैं जिससे एग्जाम दोबारा हो और उनके क्रैश कोर्स की बिक्री हो। इसमें छात्रों का कम जबकि कोचिंग सेंटर्स चलाने वालों का ज़्यादा फायदा होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए NTA द्वारा दिए गए कंपनसेंट्री मार्क्स से पास हुए 1563 छात्रों के री एग्ज़ाम का आदेश दिया है। इस मुद्दे को राजनीतिक रुख भी दिया जा रहा है। राजनीति से हटकर सोचा जाए तो ये देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। मामले में गंभीरता बहुत ज़रूरी है।